हेलो एवरीवन, फिल्मी क्रेजिस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, अजय देवगन की औरों में कहाँ दम था, मतलब कि जो एक्सपेक्टेशन लेके हम लोग बैठे थे ना भाई, यार अक्षय कुमार की फिर देख लो आप, सरफिरा जो एक्सपेक्टेशन था बॉक्स ऑफिस पे कि ज़्यादा धमाल करेगी, सुपर हिट हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। अक्षय कुमार की यह लगातार 10-12 फिल्में बॉक्स ऑफिस पे महा फ्लॉप हुआ है। अजय देवगन की बात करें तो दोस्तों, अजय देवगन को दृश्यम 2 हो गया, शैतान हो गया, ये दो फिल्म को अगर हम छोड़ दें तो अजय देवगन की फिल्में भी कुछ ज़्यादा कमाल नहीं करा। लेकिन औरों में कहाँ दम था दोस्तों, देखो यार औरों में कहाँ दम था, महा डिजास्टर साबित हुआ है दोस्तों। अजय देवगन के करियर का सबसे लो कलेक्शन करने वाली मूवी बनी है दोस्तों। क्या अक्षय कुमार को देखने अब थिएटर में पब्लिक नहीं जा रही है? आखिर क्या वजह है जो अजय देवगन को भी थिएटर में पब्लिक देखने नहीं जा रही है? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। आखिर वजह क्या है जो इतने बड़े सुपरस्टार को थिएटर में देखने नहीं जा रहे हैं? बॉलीवुड की फिल्में नहीं चल रही है दोस्तों, आखिर क्या वजह है? आखिर क्यों पब्लिक थिएटर में नहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं? देखो बस वजह एक ही हो सकता है दोस्तों, वह है कंटेंट। जी हाँ, और अक्षय कुमार की बात करें तो अक्षय कुमार को थिएटर में लोग इसलिए देखने नहीं जा रहे हैं कि वह हर 2 महीने में थिएटर में आ जाते हैं। अब देखो यार, कुछ ज़्यादा बोल दूँगा मैं तो हमारे जो फैंस अक्षय कुमार के वो हमें ही ट्रोल करने लगेंगे, तो इससे अच्छा है कि कुछ ज़्यादा मत बोलो, इशारा ही काफ़ी है। बस यही रीज़न रहा है कि अक्षय कुमार को थिएटर में देखने सिर्फ नहीं जा रही है पब्लिक, यार हर 2 महीने में पाजी आ जा रहे थिएटर में। अजय देवगन की बात करें तो अजय देवगन भी अक्षय कुमार के रास्ते पे निकल चुके हैं, और वो भी ना हर 2 महीने में मूवी आ जा रही है उनकी। मार्च महीने में आई थी उनकी दोस्तों, आपको पता ही है, शैतान, फिर मैदान आई, तो जाहिर सी बात है यार अप्रैल महीने में मैदान, फिर औरों में कहाँ दम था। तो अक्षय कुमार अजय देवगन सेम रास्ते पे चल रहे हैं, हर 2-3 महीने में ये बड़े स्क्रीन पे आ जा रहे हैं। तो अब बॉलीवुड को कौन बचाएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि बॉलीवुड की फिल्मों कब कमबैक करेगा। यार कल की जैसी फिल्में 1100 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमा के जाती है, प्रभास, जो कि यार बाहुबली से पहले कोई प्रभास को जानता भी नहीं था भाई। आज प्रभास की फिल्में नॉर्थ इंडिया में भी अच्छा बिजनेस कर रही है, साउथ में तो करती ही है, लेकिन वर्ल्ड वाइड कमा के जाती है 1100 करोड़, अभी भी थिएटर में चिपकी हुई है दोस्तों। तो यार अब उम्मीद कर सकते हैं हम लोग सलमान भाई से, शाहरुख भाई से ही ना दोस्तों। और आमिर खान की बात करें तो आमिर खान की भी नैया कुछ खास नज़र नहीं आ रही है, उनकी भी नैया डूबती ही नज़र आ रही है, क्योंकि उनकी भी पिछली 2 फिल्में थग्स ऑफ हिंदुस्तान 2018 और 2022 में शायद लाल सिंह चड्ढा महा डिजास्टर हुआ। तो जाहिर सी बात आमिर खान से भी हम उम्मीद नहीं कर सकते, वो भी अपनी फिल्मों को लेके कंफ्यूज है कि कौन सी मूवी कब रिलीज़ करनी है, कौन सी मूवी करना है। अभी महाराजा का एक न्यूज आई थी कि महाराजा भी करने वाले हैं, वो भी विजय सेतुपति वाली महाराजा का रीमेक करने वाला। तो आमिर खान सर को बोलूँगा प्लीज़ उसका रीमेक बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो मूवी और महा डिजास्टर होने वाली है। लाल सिंह चड्ढा ने तो कम से कम 60 या 70 करोड़ का बिजनेस कर चुका था आमिर सर, और महाराजा का रीमेक करोगे तो यार 30 करोड़ का भी बिजनेस नहीं करेगी वो, तो प्लीज़ महाराजा का रीमेक बनाना भी मत। अब आते हैं हम सलमान भाई पे, तो यार सलमान खान की फिल्में जितनी बॉक्स ऑफिस पे, एक सलमान खान ही एक्टर ऐसा है जहाँ पे उनकी स्क्रिप्ट में दम भी नहीं है, फिर भी उनकी फिल्में 300-350 करोड़ की में कलम में एंट्री कर लेती है। तो दोस्तों आप सोचो कि अगर उनकी स्क्रिप्ट में दम होगा तो फिर कहाँ तक जाएगी? अब सिकंदर से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, ईद पर आ रही है, हालाँकि बहुत लंबा समय है, लेकिन बॉलीवुड की फिल्में और भी आ रही है। सिंघम 3 है तो हम लोगों को सिंघम 3 से भी उम्मीद है, भूल भुलैया 3 है, बहुत सारी फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस पर शायद कमाल करके देंगे। लेकिन बॉलीवुड की जो नैया है ना भाई, जो 2023 में शाहरुख खान ने बचाया था पठान जमान से, वो शायद इसमें नज़र नहीं आ रही है 2024 में कोई ऐसी फिल्में जो 1000 करोड़ करके दे दोस्तों, क्योंकि 2023 में एनिमल ने भी 1000 कमाया था और गदर 2 ने भी 1000 कमाया था दोस्तों। तो यार अभी 2024 से कोई उम्मीदें नहीं है बड़ी है दोस्तों। अब साउथ की फिल्में हैं 1-2-3 बड़ी, तो हो सकता है साउथ की फिल्में कुछ कारनामा कर जाए, जिस तरीके से कल की कारनामा कर गई दोस्तों। अगले साल सलमान भाई आ रहे हैं दोस्तों सिकंदर मार्च के एंड में लेके, उसके बाद शाहरुख खान किंग लेके आ रहे हैं, तो यार शाहरुख खान और सलमान खान ही अगले साल कुछ कारनामा कर जाएं। और आमिर खान की बात करें तो आमिर खान अभी तक कोई मूवी अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं, देखते हैं कि आमिर खान कब तक कोई मूवी अनाउंसमेंट करते हैं दोस्तों। तो आपके हिसाब से क्या लगता है 2024 में कौन सी बॉलीवुड की फिल्म जो 1000 करोड़ कलम में एंट्री होगी, आप हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।